गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? एक बार कंफर्म करिए। थोड़ा सा समय है, 1-2 मिनट। तब तक मैंने कहा मैं तकनीकी सारे चीज़ों को असेस कर लूं। ठीक, थैंक यू युवराज। गुड इवनिंग एवरीवन। सोमवार का दिन रात का 9 बजे हमारे मिलने का मुकर्रर होता है, मंडे टू फ्राइडे। सो आई वेलकम यू ऑल। चलिए, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? कोई किसी तरह की कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। तो हम लोग अनअकैडमी आर्टिकुलेट चैनल पर मिलते हैं, और अनअकैडमी ने जो प्रेजेंट कोविड का सिनेरियो चल रहा है, इसमें जिस तरह की ज़रूरत प्रतियोगियों को है, उसको देखते हुए एक कॉम्बो ऑफर बहुत ज़बरदस्त आपके लिए लॉन्च किया है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे सामने कि अगर आप GS और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो आपको 25% का सीधा आपको एक छूट मिल रही है। और फी अगर आप इधर देखें तो एक साल की फी 57,500 रुपये मात्र विद ऑप्शनल, GS प्लस ऑप्शनल। 2 साल 83,100, 3 साल की 1,01,010 रुपये। और 9 जून से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। ये स्पेशल एक तरह का एक एफर्ट शुरू हो रहा है, जिस तरह की पर्सनल मेंटरिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कह सकते हैं कि आपकी उम्र के, आपसे अनुभवी, आपके सीनियर्स, लेकिन आपकी बातों को समझ सकने वाले, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी इसमें काफ़ी सारे हैं। तो इन सब लोगों की पर्सनल मेंटरशिप वगैरह भी मिल रही है, जो आपको दैनंदिन में शिक्षक से जो आप अपेक्षा करते हैं और शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आपकी बातों को समझकर क्या आपको सलाह उचित मिलनी चाहिए, एक तरह का इंटरफेस क्रिएट किया गया है। तो ये भी बहुत अच्छा एक तरह का एफर्ट है। ये हमारा पहले से प्रयत्न चल ही रहा है। आपको अगर एक मुश्त जैसा समय है थोड़ा संक्रमण काल, तो उसमें EMI वगैरह के थ्रू भी आपको एक तरह से लोन वगैरह देने की भी बात यहाँ पर दिखती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे, हम इन एस्पेक्ट्स को भी ज़रूर नज़रअंदाज ना करें। चलिए बात को, चलिए। आज मैं क्वेश्चन से पहले एक इशू है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लेकिन आप देखेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इन तमाम चीज़ों पर, जैसे CRZ के ऊपर कोस्टल रेगुलेशन जोन्स जो हैं, तो ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले मुद्दे हैं। तो 2-3-4 मिनट में सबसे पहले एक बार ESZ, इको सेंसिटिव जोन्स, इनको लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद हम MCQs के माध्यम से अलग अलग इश्यूज को एड्रेस करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर लेटिंग मी नो दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो इको सेंसिटिव जोन, इनको इको फ्रेजाइल या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज भी कहा जाता है, और किसी भी संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें नेशनल पार्क्स आते हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, उनके 10 किलोमीटर का जो जोन होता है, उस एरिया को जनरली ESZ के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं कंडीशंस के हिसाब से। इस पूरे 10 किलोमीटर के जोन को, इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, बट इन जनरल अगर जेनरिक टर्म्स में देखें तो ये 10 किलोमीटर का ही इसमें वो तय किया गया है। बेसिक एम जो इस कॉन्सेप्ट के पीछे है वो यही था कि कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो
इन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास होती हैं और जिनका नकारात्मक प्रभाव उस पूरे बहुत संवेदनशील, बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही भंगुर पारिस्थितिकीय तंत्र के ऊपर पड़ता था, उन एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ किया जा सके, न्यूनतम किया जा सके, जिससे कि पर्यावरण और पारिस्थितिकीय चीज़ें संतुलन बना रहे। तो ये फिर पूरा इसके ऊपर एक वो था, काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है। कई जगह इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स जो उनको उनमें जो ऑल्टरेशंस होते हैं, इन सब को लेकर हमेशा न्यूज़ रहती है। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सवाल है कि कौन इसको नोटिफाई करता है। तो ESZ को नोटिफाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, MoEFCC, ये इसको नोटिफाई करता है। और इसको ये करने की शक्ति किस कानून से आती है, वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बेसिकली इंडिया में एनवायरनमेंट का मैग्ना कार्टा इसको कहें तो कम नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में इसको पढ़ते हैं, एक एक चीज़ इसकी जो काम की है, जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको आपको करना चाहिए। सो दिस ESZs, दे आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पर्पज़ ऑफ डिक्लेयरिंग ESZ इज़ टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स टू द प्रोटेक्टेड एरियाज बाय रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग द एक्टिविटीज अराउंड सच। तो एक तरह से जो नॉर्मल जो अनप्रोटेक्टेड एरिया है और जहाँ से ये प्रोटेक्टेड आपका एरिया शुरू होता है अपने फ्रेजाइल इकोसिस्टम की वजह से, उनके बीच में 10 किलोमीटर का ये एक बफर है, एक सॉर्ट ऑफ यू कैन से शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट किया जाता है जो चीज़ों को रोक सके, नकारात्मक नेगेटिव चीज़ों को रोका जा सके। तो ये इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट था, इस बात को भी आप देख सकते हैं। कैसे डिमार्केट किया जाता है, तो ऊपर हमने देखा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसकी पूरी जो वर्किंग मेथडोलॉजी है उसको बताता है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज V5, सेक्शन सी सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 इस एक्ट का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एरियाज इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस और क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस शेल बी कैरीड आउट और शेल नॉट बी कैरीड आउट सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स। तो बेसिकली जो ऑनस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है प्राइमरली, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली काफ़ी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही क्रिएट करता है। लेकिन इस सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 से आगे रूल 5 सब क्लॉज 1 इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स का, जब एक एक्ट बनता है तो उस एक्ट में तो आप ब्रॉड लीगल कॉन्टूर्स को डेवलप करते हैं, बट उन प्रोविजंस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड अ सर्टेन रूल्स। तो ये रूल्स भी कई बार एक एक्ट के साथ उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल एस्पेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स बने 1986 में ही, और उसमें जो रूल्स 5 सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है उद्योगों की लोकेशन को, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और कुछ एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस वहाँ जो चल रही हों या प्रस्तावित हों उनको भी कुछ कंसिडरेशंस के साथ वो कंट्रोल कर सकती है। तो ये भी एक आस्पेक्ट है। ये सारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने केरला में, आपने और भी कुछ स्टेट्स में देखा होगा जहाँ पे नॉन NDA रूल्ड गवर्नमेंट्स हैं, उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट सेंटर के साथ रहा इस ESZ के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो वी नीड टू ओवरऑल असर्टेन दैट, और ये क्राइटेरिया जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट इसी क्राइटेरिया के थ्रू रूल 5 सब क्लॉज 1 के थ्रू ये भी डिक्लेयर कर सकती है कि ये NDZ हैं, नो डेवलपमेंट जोन्स, यानी यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती जो ओवरऑल इसको मैनेज करे। स्टेट का भी रोल है युवराज, ठीक है, स्टेट का भी रोल है, बट सेंटर जब ये रूल्स और ये प्रोटेक्शंस हैं इसमें जब सेंटर आ जाएगा तो वो सेंट्रल रूल है, और इशू ऐसा है जो दोनों के उसमें आता है तो स्टेट बाईपास नहीं कर सकता, स्टेट उनको ओवरराइड नहीं कर सकता। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए
अगर हम बाउंड्रीज की बात करें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रोवर्सी में रहता है, तो शुरू में ही मैंने बताया कि ESZ जो है ये इट कैन गो अप टू 10 किलोमीटर्स अराउंड अ प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी बनी थी 2002। अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनवायरनमेंट, इस स्ट्रैटेजी को भी, इसके भी इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स को आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी 2002 में इन सारी चीज़ों को, ये जो 10 किलोमीटर का वो है, इस सब को भी वहाँ उसका प्रोविजन भी किया गया था। मोर ओवर इन द केस वेयर सेंसिटिव कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट पैचेस जो कि क्रूशियल होते हैं लैंडस्केप लिंकेजेस के लिए, अगर ये 10 किलोमीटर के बियॉन्ड भी जाते हैं, है ना, जैसे कोई एलिफेंट कॉरिडोर बन रहा है ना, जहाँ पे एलिफेंट्स को आप ओवरऑल एक प्रोविजन देते हैं कि वो अपने हैबिटेट्स को जब ओवर एक जगह से दूसरी जगह दे गो, तो उनके कॉरिडोर्स होते हैं। इसी तरह बाकी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के कॉरिडोर्स आजकल बहुत बन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए अगर ये रेंज 10 किलोमीटर के बियॉन्ड भी जाती है, तो बेसिकली उसको भी परमिशन दी जा सकती है। तो दिस 10 किलोमीटर ये कोई ऐसा मतलब बहुत मतलब एक आयरन फिस्ट वो नहीं है कि इसको ब्रीच नहीं किया जा सकता। इट कैन बी ब्रीच्ड, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, बट इन जनरल 10 किलोमीटर का होता है। ठीक है, फर्दर इवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एरिया ऑफ ESZ एंड द एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन मे नॉट बी यूनिफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल हैं, इसको स्टेटमेंट की तरह ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, MCQs पर आ जाते हैं। मल्टीपल चॉइस के थ्रू हम कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इट रिलेट्स टू इकॉनमी, बैंकिंग इन पर्टिकुलर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इस पर काफ़ी बहस, काफ़ी चर्चा रहती है, बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है। इसको थोड़ा सा देखिए कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको सही स्टेटमेंट इसमें बताना है। पहली चीज़ कि PCA जो है, इट एम्स टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ NPAs इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का, उसको ये टारगेट करने के लिए बना। दूसरा, PCA को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है। तीसरा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स, CRAR जिसको कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स और रिटर्न ऑन असेट्स, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो PCA में देखे जाते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें से मार्क करने हैं आउट ऑफ दीज, एंड वी हैव आंसर्स कमिंग अक्रॉस। सागर ने शुरू किया है, फर्स्ट सी, युवराज सी, ममता सी, सिल्वर ए, आरिफ सी, प्रीति शुक्ला सी, पूजा सी, विक्रम इज सेइंग सी, अवनीश इज ऑल्सो मार्किंग सी, अंकित, अर्चना, रोहित, राजा, ओम प्रकाश, ऑल, आदित्य, अमित, एवरीवन। चलिए, गुड टू सी दैट यू नो द निटीग्रिटीज ऑफ PCA। आंसर इज डेफिनेटली सी। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इट एम्स टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ NPAs इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रोसेस, PCA को RBI ने इंट्रोड्यूस किया 2002 में, ठीक है, एज अ स्ट्रक्चर्ड अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म। हालांकि ये अर्ली तो क्या ही हो पाया जब NPAs एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही बुरी स्थिति में जब पहुंच गए, तब PCA लगना शुरू हुआ। बट प्रॉम्प्ट मतलब इसका जो पर्पस या जो इसका फिलॉसफी थी वो यही थी कि हम बहुत अर्ली लेवल पर सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन कर सके कि जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कुछ बैंकिंग पैरामीटर्स के थ्रू हम बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करके और सही समय पर उनको और ज़्यादा सुसाइडल होने से रोका जा सके, दैट इज़ द बेसिक पर्पस। तो वो सारी चीज़ें थी। और बैंक्स जो हैं, ठीक है, वो अंडर कैपिटलाइज ना हो जाए। बैंक्स का कैपिटलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर वो अंडर कैपिटलाइज्ड होंगे
और जब एनपीए बढ़ेगा तो ऐसा होगा, तो ग्रोथ पर सीधा कंट्री के इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज बैंक्स जो लेंड करते हैं, क्रेडिट देते हैं, उसी से ग्रोथ का व्हील चलता है। तो अगर बैंक्स एनपीएस की वजह से अंडर कैपिटलाइज होते हैं तो दिस होल प्रोसेस गेट्स इम्पैक्टेड। तो ये सब चीज़ें थी, और असेट क्वालिटी जो बैंक्स की हैं वो अगर पुअर होने लगे, प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं आपको बहुत तेज़ इरोजन दिखे, ये सारी चीज़ें थी जिनको मॉनिटर करके आरबीआई ऐसा कर सकता था। और आरबीआई जब पीसीए किसी बैंक पे लगाता है, व्हेन अ बैंक कम्स अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मेजर्स, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बैंकों को अपनी ब्रांच को एक्सपैंड करने पर उनको रोका जा सकता है, उनको मैनेजीरियल लेटर ऑन स्टेजेस में मैनेजमेंट जो बोर्ड का है, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन सबको भी इस प्रोसेस में सेंट्रल बैंक पूरा अपना कंट्रोल ले सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे, तो इसको आप देख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत था, क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा था, जबकि आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। और अगर इसके बारे में जाने तो आरबीआई बेसिकली कुछ रेगुलेटरी ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिनको पीसीए में रखता है, और इसमें तीन पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं किसी बैंक को असेस करने में। एक, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, ये बैंक्स की बैलेंस शीट के थ्रू इसको असेस किया जाता है कि हाउ बैड इज द सिचुएशन। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, ये टर्म क्या होता है, ये सब इकॉनमी में देखना चाहिए आपको, अगर ना पता हो तो ये सबको पढ़ लीजिएगा। नेट नॉन परफॉर्मिंग, नेट एनपीए जिसको कहते हैं, ठीक है, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बैंक के कितने हैं, और रिटर्न ऑन असेट्स आरओए ये कितना है, ये तीन की फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर ये होता है। और अगर इसमें बैंक फॉल्टर करे तो फिर उसको पीसीए की प्रोसेस में डाला जा सकता है, ठीक है। मेनी बैंक्स, अगर है ना, कई पब्लिक सेक्टर, कई बैंक्स थे, उनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्रोसेस में डालकर फिर ग्रेजुअली जब उनके ये पैरामीटर्स ठीक होने लगे, है ना, उनका कैपिटल सफिशियंसी जो है वो लगने लगा कि दे हैव कैपिटल एनफ टू सस्टेन, तो उनको फिर इन सारे रिस्ट्रिक्शन से धीरे धीरे फ्री किया जाता है, ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करिएगा, मिल्क टी अलायंस, वॉट इट इज मिल्क टी अलायंस। दो स्टेटमेंट्स हैं कि ये उन देशों का अलायंस है जहां पर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। सेकंड स्टेटमेंट है ये उन देशों का अलायंस है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिल्क टी अलायंस। अगेन सागर ने बात शुरू करी है डी ऑप्शन के साथ, अर्चना भी डी कह रही है, अंकित भी डी कह रहे हैं, युवराज भी डी कह रहे हैं। अच्छा, ये हमने कभी करा था क्या, इज दैट सो, अर्चना इज सेइंग इट्स अ रिपीट क्वेश्चन। चलिए, फिर भी कुछ लोग बी और डी में हमको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, सो देयर इज नो बी इन दिस, बोथ द स्टेटमेंट्स दे वर नॉट ट्रू, ठीक है, तो आप बात को समझिएगा, व्हाट इज दिस, इस तरह के अलायंसेस और इस तरह के जो भी चलिए हो जाता है कभी कभी, हम लोग भी इंसान हैं, है ना, ध्यान ही नहीं रहता, इतने सारे क्लासेस अब हो गए कि कहीं कुछ दो चार क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि कभी कहीं और से आए और हमको लगे इम्पॉर्टेंट है और पहले कभी करेंगे। तो मिल्क टी अलायंस में ये जो बातें हैं उनको आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन डेमोक्रेटिक सॉलिडारिटी मूवमेंट है जो आपको थाईलैंड, हांगकॉन्ग, ताइवान, ये सारे इतने सारे आपके इस एकेडमिक ईयर में इश्यूज़ रहे हैं उन सबको एड्रेस करता है। सबकी एक जैसी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी के फेवर में ये लोग काम करना चाहते हैं। तो ये इनफॉर्मल एक टर्म है जिसको कि सोशल मीडिया यूजर्स के थ्रू इसको एक तरह से इसका नाम पड़ गया है, और टी अलायंस इसलिए बिकॉज दिस रीजन दैट इज थाईलैंड, हांगकॉन्ग एंड ताइवान, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है कि दीज द पीपल इन दिस कंट्री दे लव टी। तो एक तरह से इन देशों में प्रो डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया के थ्रू जो एक इतना बड़ा मूवमेंट है उसको लेकर इसका नाम पड़ गया मिल्क टी अलायंस। एपीटी 29, व्हाट इट इज,
APT-29, which was quite in news. Is it a cyber espionage group? Second, is it a name or term given to nuclear weapons by Pakistan? It's some sort of API, active pharmaceutical ingredient, or this is something which can be used as a vaccine for COVID-19. APT-29, what it is. So Vikram is saying A. Archana is saying C. Ye koi API hai, a class of API which can be used in a certain sort of medicines. Silver Pen Yuvraj is saying A, Ashura C, Avnish C. So a lot of C's I can see. There is a clear divide between A and C, and A is the correct answer. Okay. APT-29. It is also known as the Dukes or Cozy Bear, and it is a cyber espionage group. Cyber attacks, cyber crime se related aspect hai. So, ek cyber espionage group hai, aur it's almost certainly part of the Russian intelligence services. Mana jata hai ki Russian intelligence services isko, iske piche ka brainchild jo hai, wo wahan hai. Aur the group has used a variety of tools and techniques to predominantly target government, diplomatic, think tank, healthcare and energy targets for intelligence gain. So basically, ye kafi aise countries ko aur countries mein alag alag aise organizations ko target kar raha hai, jo ek certain region mein jinka jiske kafi ek threat perception jisse ki badhaya ja sakta hai. Kafi news mein tha APT-29, dhyan rakhiyega. Chaliye, technology related ek thoda sa डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़िए एंड देन ट्राई टू आंसर इट. वंस फंक्शनल, दिस विल एंटर, दिस विल एज इन वन ऑफ दीज फोर, दिस विल एंटर मार्स एटमॉस्फेयर एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स पर सेकेंड एंड इट विल बी डिजाइन टू विदस्टैंड मल्टीपल एंट्रीज. इट मेंट टू एक्ट एज अ रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर क्रू एंड कार्गो टू द अर्थ्स ऑर्बिट मून एंड मार्स. ये किसके बारे में ये सब चीज़ें सच हैं, जो मार्स में ओवरऑल मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकता है एट अ सर्टेन स्पीड, और ये बार बार मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकता है, यानी ऑब्वियसली मार्स के एटमॉस्फेयर में अंदर जाके देन इट कम्स आउट एंड देन कैन इट कैन री एंटर अगेन. तो ये किसकी बात हो रही है, और इसका यूज़ होगा आपको जब मून और मार्स या अलग अलग अर्थ के ऑर्बिट में इस तरह के मिशन करने हो जहां रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको चाहिए होगा. सो आई थिंक अभी तक जो आंसर्स हैं, ए विक्रम इज़ द फर्स्ट वन, नहीं अंकित हैज, नहीं सॉरी पूजा इज ऑल्सो गिवन बी, प्रीति शुक्ला इज ऑल्सो सेइंग बी, विक्रम इज सेइंग बी, रेस्ट सम ममता एंड शुभी they are saying D, Raja is saying B. So A, B and D, they are the primary options selected by you. Basically it's B, Starship spacecraft. Starship पर पहले भी एक बार हमने question किया because of its importance. ठीक है, Starship is very very important. तो कोशिश कर रहे हैं उसको कई तरीके से map कर सके. देखिएगा, एक तो स्पेस एक्स और हमारे एलन मस्क साहब, हाँ, तो अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज, एलन मस्क काफ़ी इश्यूज पर न्यूज़ जनरेट करते रहे हैं पूरे साल. धीरे धीरे ग्रेजुअली इज बिकमिंग अ जो टेक कहते हैं ना कि एक टेक एंटरप्रेन्योर, और उसमें स्टीफन हॉकिंग ने जिस तरह एक एकेडमिक स्फीयर में लंबे टाइम तक बिकॉज ऑफ हिज फ्यूचरिस्टिक थ्योरीज जो एक मुकाम था, वो अब धीरे से स्टीफन हॉकिंग के बाद एलन मस्क ने ले लिया है. डेफिनेटली द मैन इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. तो स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है,
उसने स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को ओवरऑल इसको क्रिएट किया है. एक सुपर हेवी बूस्टर रॉकेट है, सुपर हेवी बूस्टर रॉकेट है जो कि बेसिकली रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. रीयूजेबल मतलब जिसको अर्थ पर आप बार बार लाकर यू कैन सेंड इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, सो ये रीयूजेबल एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो ISS को भी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, या अर्थ ऑर्बिट में बाकी भी इस तरह के अगर आपके कुछ वो हों तो उसको डेफिनेटली आप कर सकते हैं वहाँ पे यूज़. नहीं तो मून और मार्स मिशन में भी स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया जा सकेगा. SpaceX ने इसको डिस्क्राइब किया है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल. दिस फ्रेज कैन ऑल्सो बी वन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली है ना विच ऑफ दीज कोई ऑप्शन दे देगा हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल. तो वहाँ पर भी आपका आंसर स्टारशिप होगा. और इसकी एबिलिटी है इट कैन कैरी 100 metric tons लोड लेकर, पेलोड 100 metric tons का लेकर ये अर्थ के ऑर्बिट में या हम माने ISS में ही अगर भेजना हो तो इट कैन प्ले दैट रोल. तो डेफिनेटली इट्स अ सॉलिड हेवी बूस्टर रॉकेट मोटर. और धीरे धीरे स्पेस जर्नीज के लिए एलन मस्क अपने आप को तैयार करें, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इंडिया प्लानिंग एंड प्रोग्राम्स. कृषि मेघ को लेकर देर आर 3 statements. कृषि मेघ, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द डेटा रिकवरी सेंटर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन सेटअप अंडर द नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट. नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन. ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इंडिया ईयरबुक वगैरह से देख सकते हैं. थर्ड, इट इज़ इक्विप्ड विद द लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर. आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं. इज इट 1 and 2 ओनली, इज इट 3 ओनली, इज इट ऑल 3 statements आर करेक्ट, और इज इट डी 2 ओनली. कृषि मेघ व्हाट इट इज. सो द आंसर्स विच वी हैव रिसीव्ड सो फार, सागर इज सेइंग सी, युवराज इज सेइंग बी, आशु इज सेइंग सी, ममता सी, सिल्वर सी, अर्चना बी, नीरज ए, आदित्य सी, अंकित सी, रौनक सी, ओम प्रकाश सी, पूजा डी. तो मेजरली सीज आर देयर विच इज़ गुड बिकॉज ऑल दीज 3 statements दे आर करेक्ट. आंसर इज सी, डेफिनेटली सी. तो इसको देखिएगा कृषि मेघ, इसको NAHEP दैट इज नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट इसमें सेटअप किया गया है. दिस इज द प्रोजेक्ट. द डेटा रिकवरी सेंटर हैज़ बीन सेटअप एट नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद. यहाँ पर डेटा रिकवरी सेंटर को सेटअप किया गया है. कृषि मेघ इज इक्विप्ड विद लेटेस्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर फॉर इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग एंड डिप्लॉइंग ऑफ डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस थ्रू इमेज एनालिसिस, डिजीज आइडेंटिफिकेशन इन लाइव स्टॉक एक्सेट्रा. तो बेसिकली एग्रीकल्चरल डोमेन में जो भी इश्यूज हैं उनमें, जैसे डिजीजेज इन लाइव स्टॉक की एक इशू है, या बाकी जो एग्रो एसोसिएटेड इशूज हैं उसमें कैसे हम AI और डीप लर्निंग को हम इंक्लूड कर सकते हैं, दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस होल एफर्ट. और उसको आप ऐसे देख सकते हैं, कृषि मेघ ये फार्मर्स को, रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को और पॉलिसी मेकर्स को इक्विप करेगा विद द लेटेस्ट अपडेटेड डेटा इंफॉर्मेशन जो भी एग्रीकल्चर और रिसर्च में हो रही है. सो डिफरेंट एग्री एक्टिविटीज के लिए दिस कृषि मेघ, दिस होल मैकेनिज्म विल बी वेरी यूजफुल. तो आप इस बात को यहां से देख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव इशू दैट कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म. OSOWOG दैट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव. वन सन
वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, आपको बताना है इसे किसने लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक ने, UNDP ने, इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने? हुज एफर्ट इज दिस? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इज दिस क्वेश्चन नंबर 6? या ठीक, तो जो आंसर सभी तक मिले हैं, सागर इज अ स्मार्ट कैंडिडेट, ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स द थिंग वट एवर टाइम ही गेट्स आफ्टर पोस्टिंग द आंसर। गुड, सो एवरीवन हैज गॉट इट करेक्ट, डी सभी का ऑलमोस्ट आंसर है। अच्छी बात है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये भारत का जो नवीन और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्रालय है, जो कि बहुत कंपैरेटिवली इट्स अ न्यू मिनिस्ट्री, उसका एफर्ट है। और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, इसको प्रपोज किया इंडिया ने टू सेट अप अ फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन विच एम्स एट बिल्डिंग अ ग्लोबल इकोसिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ओवरऑल ISA अगर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अगर सोलर एनर्जी को ओवरऑल उसके प्रोडक्शन को एनहांस करने की बात करता है, तो फिर उसके बाद इफ देयर इज वन सन दैट दिस वर्ल्ड इज शेयरिंग, है ना, पूरी दुनिया एक ही सन को शेयर कर रही है, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट है कि एक सूर्य है, एक दुनिया है। तो एक अगर ग्रिड हम लोग इस तरह से रीजन्स के बीच, है ना, इट्स वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम, लॉन्ग रन में आप एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सबको एक ग्रिड कनेक्टिविटी की भी बात इसमें है, और सोलर एनर्जी को इस तरह से अगर हम शेयरिंग बेसिस पर अगर हम कर सकें तो ऑब्वियसली इससे उसका यूजेज भी बढ़ेगा। तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट, इसको देखा जा सकता। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट PMRU, अगेन गवर्नेंस प्रोग्राम्स रिलेटेड क्वेश्चन। युवराज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आर्टिफिशियल सन, ठीक है, आर्टिफिशियल सन ये बेसिकली उनका एक फ्यूजन रिएक्टर है, कभी इस पर बात करते हैं। फ्यूजन रिएक्टर वैसे तो ग्लोबल कम्युनिटी इसको ITER में डेवलप कर रही है, बट एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्यूजन रिसर्च प्रोग्राम। तो उसमें चाइना ने एक सर्टेन, मतलब डिग्री ऑफ प्लाज्मा क्रिएशन और कंटेनमेंट को उन्होंने पूरा किया, उसको वो कह रहे थे कि आर्टिफिशियल सन कहा गया, बिकॉज इट्स प्रोड्यूसिंग सो मच ऑफ एनर्जी, जैसे सन से कंपेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा जी सचिन जी, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बड़ा शुक्रिया, हमारा तो वैसे कोई इंतज़ार करता नहीं, लेकिन कुछ कद्रदान हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन देखिए कभी, PMRU प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, देर आर टू स्टेटमेंट्स। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसको सेटअप किया गया है कृषि मूल्यों की निगरानी के लिए, एग्रीकल्चरल प्राइस मॉनिटरिंग के लिए। सेकंड, ये एक इनिशिएटिव है विच हैज बीन स्टार्टेड बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE के, उससे शुरू हुआ है। इट इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। दो स्टेटमेंट्स प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को लेकर आपको बताना है। ज्यादातर लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग रेयरली, बट ए इज ऑल्सो विजिबल, पूजा इज सेइंग ए। सो डी का मतलब है करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने थे, नीदर वन नॉर टू मतलब दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो सही जवाब है डी। देखिएगा, ये जो PMRU है, ये भी शायद हमने किसी और सेंस में हमने इसको डिस्कस किया था पहले। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, ये एफर्ट है बेसिकली ड्रग प्राइस को मॉनिटर करने के लिए, जो कोविड में बहुत बड़ा इशू रहा कि गवर्नमेंट्स को, आपने देखा उसके बाद भी रेमडेसिविर और सारी चीज़ों में जो कुछ हुआ, बट बेसिकली दिस ड्रग प्राइस मॉनिटरिंग एंड ड्रग प्राइस रेगुलेशन
इसको लेकर जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं, जो प्रोसेस है इंडिया में, जो लॉ है, वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो इसको मैंने पहले भी क्वेश्चंस अलग अलग एस्पेक्ट पे करे हैं, बट इसको आपको बिल्कुल फाइन प्रिंट करके जाना है, सब चीज़ें अलग अलग जो हैं उसको एक जगह करके। ये वो इश्यूज़ हैं टॉप, जिनको कह सकते हैं 300-400 मुद्दे पूरे 1.5 साल में, जिनको यूपीएससी में पेपर सेटर जिनके दिमाग में होगा कि हम इस इशू पर कुछ सवाल बनाएं, देखें कैंडिडेट ने इस पर कुछ मेहनत करी है कि नहीं करी है। दिस इज़ वन सच इशू, हाउ दीज ड्रग प्राइजेज आर मॉनिटर्ड, कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड इन दिस कंट्री, एजेंसीज कौन सी हैं जो ये सब काम करती हैं, ठीक है? तो ये एक हो गया पीएमआरयू। पीएमआरयूज हैव ऑलरेडी बीन सेटअप बाय द ड्रग प्राइस रेगुलेटर, जो कि क्या है, एनपीपीए। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एनपीपीए पर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो वहां से ध्यान रखिएगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, एनपीपीए। तो पीएमआरयूज को सेटअप किया गया ड्रग प्राइस रेगुलेटर एनपीपीए के द्वारा। अ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट हैज बीन सेटअप अंडर द एजिस ऑफ दिस एनपीपीए एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स व्हिच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो ये पूरा चक्र है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो आता है, सारी चीजें प्रश्न क्वेश्चंस के तौर पर आपसे पूछी जा सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड एक और डिस्कशन में जाते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। इट इज द एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत, शीर्ष संस्था है जो आयुष्मान भारत को इस देश में उसको लागू करवाने की भूमिका है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज द सक्सेसर ऑफ नेशनल हेल्थ एजेंसी। तो पहले नेशनल हेल्थ एजेंसी हुआ करती थी, ये उसकी उत्तराधिकारी है। तीसरा स्टेटमेंट, इसको गवर्न करता है गवर्निंग बोर्ड जिसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। तो इस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का जो गवर्निंग बोर्ड है उसका अध्यक्ष पीएम होता है, बेसिकली स्टेटमेंट ये है। बताइए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें अभी तक ए का बोलबाला है, कुछ लोग बी भी यदा कदा लिख रहे हैं, ज्यादातर लोग ए लिख रहे हैं। ठीक बात है, आपने एक चीज बहुत अच्छी पकड़ी, ए का इतना जबरदस्त जो वो आ रहा है। यस, प्राइम मिनिस्टर किसी भी बॉडी का जब चेयरपर्सन होगा, उसको हेड करेगा, तो मतलब ऐसे उसका स्टेचर अलग हो जाता है। एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि आपने सुना नहीं होगा कि कभी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की मीटिंग को पीएम ने, वो जब करते हैं कोई भी ऐसी बॉडी होती है तो काफ़ी न्यूज़ में होती है। तो दिस थर्ड स्टेटमेंट वॉज अ फॉल्टी वन, यहाँ आपके पास इंडिकेशन था, और आई होप अगर सीधे सीधे मेथड ऑफ एलिमिनेशन का क्वेश्चन था, आप थर्ड को एक बार अगर एलिमिनेट कर दीजिए तो यू हैव योर आंसर, इसीलिए इतने लोगों का सही था। ये दिखाता है कि बच्चे बहुत समझदार हो गए, समझा समझा के हम लोगों ने कि एलिमिनेशन भी यूज़ करना है, कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, नॉलेज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना? आप नॉलेज भरपूर लेकर जाओ, बढ़िया से पढ़कर समझकर सब जाओ, लेकिन उसके बाद भी बहुत पढ़ा लिखा, बहुत मतलब मेहनत करने वाला बच्चा भी एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले पैनिक में, स्ट्रेस में, सोया नहीं रात में, अगले दिन पहुंचा हाँफता हाँफता, ठीक है? और वो जो वहाँ 2 घंटे हैं उसमें जो आपको एप्लीकेशन करना था नॉलेज का, जो आपको एलिमिनेशंस करने थे, जो आपको वहाँ पे पूरा 100% से ज़्यादा अपना एफर्ट देना था, वहाँ आप वीक पड़ जाओगे। और खेल क्या है यार, खेल ऐसा तो है नहीं, कॉम्पिटिशन जिनके बीच है, कॉम्पिटिशन में एक तो बहुत लोग हैं नहीं। डोंट लुक एट दीज नंबर्स कि 8 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, ठीक है, 8 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो आप देखिए ना कि भाई इनमें से आधे तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया क्योंकि हिंदुस्तान में स्नातक हैं आप, ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद इफ़ यू आर गिविंग एग्ज़ाम्स तो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम, तो फॉर्म भरना तो 100-200 रुपये का खर्च है, तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना?
लेकिन अब जो तैयारी कर रहे हैं तथाकथित तैयारी, उनमें कितने लोग इस एग्जाम के लायक हैं उसको देखना हो तो यूट्यूब का ही एक चक्कर लगाए आओ, कैसे कैसे बाबा बैठ के प्रवचन दे रहे हैं और कितनी भीड़ है वहाँ पे। तो ये सब भीड़ कहाँ जा रही है? सब भीड़ जंगल जा रही है बाबा के पीछे पीछे। बाबा तो जंगल में बैठा है, प्रवचन देगा, ठीक है, और ये भीड़ भी सब वही है। ये 2 साल बाद ये भी हम लोगों से पूछेंगे, सर टीचर कैसे बने अनअकैडमी में, क्योंकि आईएएस बनने वाली राह पर तो वो है नहीं। जब वो समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है सामने, एग्ज़ाम क्या है, तो कोई कंपटीशन नहीं है। आई एम टेलिंग यू, हार्डली इसमें 50,000 भी, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँगा क्योंकि मेरा मन नहीं करता कि इतना कम बोलूँ, बट इवन मतलब आई थिंक मतलब रियल कैंडिडेट्स दे आर वेरी वेरी लेस, क्योंकि कोई मेहनत नहीं, मतलब मेहनत का रास्ता सबको थोड़ा ख़राब लगता है। सबको रेडीमेड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी सेशन ले लीजिए सर, स्ट्रैटेजी सेशन। अरे स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होगा ज़्यादा भैया, एक लेवल पर शुरू में बनाते हैं स्ट्रैटेजी, उसके बाद काम करना होता है। काम ना करना पड़े इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वो सुनना बेचारा ये चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा बता दीजिए कि पढ़ना ना पड़े और कोई कंपट चूरन ऐसा आता हो जिसको खा के हम बन जाएं, वो नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत मैं भी आज बाबा बन गया, मन तो नहीं करता लेकिन टाइम टाइम पे बताना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है वो भी हमारा, ख़राब लगता है लेकिन सच है। चलिए, तो ये बात थी, इसको थोड़ा सा देखिएगा। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एपेक्स बॉडी है, ठीक है। हाँ सचिन, मेरा जुलाई में PSIR आ रहा है, अभी मैं उसको फॉर्मली बताऊंगा एक दिन। जुलाई में PSIR लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी पर, और ऑप्शनल में तो आप अलग से पूरा ले सकते हैं उसको। मतलब एक वो प्रॉब्लम थी कि हमारे ऑफलाइन के ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे, तो पूरा दोबारा अनअकैडमी में कोर्स करने का हम लोगों को भी थोड़ा सा वो लगता था, तो उसको आप अलग से भी ले सकते होंगे शायद। चलिए, तो इट इज़ द एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंडिया फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत को यही चलाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक तो ये इम्पोर्टेंस है इसकी। सेकेंड, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सक्सेसर है नेशनल हेल्थ एजेंसी का, जो कि फंक्शनिंग थी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह सिंस 23 मई 2018। तो एक फैक्ट यहाँ पर आपने देखा कि एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड बॉडी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को गवर्न करता है जो गवर्निंग बोर्ड, उसकी उसकी चेयरमैनशिप है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है ये, प्रधानमंत्री नहीं इसकी वो करते हैं। चलिए, कल्चर की कुछ बात करते हैं। कल्चर प्लस करंट है ना, वट एवर आई एम डिस्कसिंग इट हैज सम कुछ करंट में हुआ होगा। यहाँ ऐसे नहीं है कि कुछ भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने लग गए, सब चीज़ें करंट की हैं। देवला स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, देवला स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज अ स्टाइल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल, किन इनमें से किस टेम्पल में आपको ये देवला स्टाइल मिलेगी टेम्पल कंस्ट्रक्शन की? लिंगराज टेम्पल, महाबलीपुरम, मीनाक्षी या पद्मनाभ स्वामी टेम्पल? सो फार सबने यही, गुड, वेरी गुड, लिंगराज टेम्पल। तो अभी न्यूज में इस वजह से था कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 11वीं शताब्दी के लिंगराज टेम्पल को और इसका जो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर है उसको एक फेस लिफ्ट देंगे, उस वजह से न्यूज़ में रहा। और जो इसका इतना प्री 350 ईयर स्ट्रक्चरल स्टेटस है उसको हम ओवरऑल थोड़ा सा फेस लिफ्ट देंगे। ये जो टेम्पल है लिंगराज, ये देवला स्टाइल में बना है और इस स्टाइल में 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में आपसे ये देवला स्टाइल पूछ सकता है। 4 कॉम्पोनेंट्स इस स्टाइल के, पहला जिसको विमान कहते हैं, विमाना, दैट इज द स्ट्रक्चर कंटेनिंग द सैंक्टम सेंक्टोरम, है ना। फिर जगमोहन, जगमोहना, दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट जो असेंबली हॉल होता है। तीसरी चीज इसमें नट मंदिरा जो कि फेस्टिवल हॉल होता है, और भोग मंडपा जहाँ पर ऑफरिंग्स दी जाती हैं। और हर ये जो कॉम्पोनेंट है दे कीप इंक्रीजिंग इन दी हाइट, तो आप
जैसे एक से दूसरे तीसरे की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग हाइट ऑल्टीट्यूड, ये भी इस देवला स्टाइल का बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो था। ये जितने भी ये अलग अलग स्टाइल्स हैं इनको आप जानते हैं, इनके कल्चर में आप इसको पढ़ते ही, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। चलिए एग्जैक्टली 45 मिनट्स हम यहीं रोकते हैं आज बात को, बाकी आगे मसला कल बढ़ाता हूँ। कल कुछ और विषयों को इसी तरह हम लोग समझ कर उनको अपनी एकेडमिक जो हमारा प्री फोकस जो चीज़ें हैं उसमें उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, बाय बाय।